सो कल रात को हम लोग आके यहाँ पे रुके थे, ये हमारा प्रॉपर्टी था कल रात के लिए। तो कल रात को ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि एक तो मतलब प्रॉपर्टी में ज़्यादा कुछ था नहीं और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो गया था। तो उसके लिए कल वाला जो ब्लॉग है उसको यहाँ से अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इस प्रॉपर्टी का खासियत क्या है आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे, भाई साहब देखो वाओ क्या मतलब ही हुए। देखो ये है इस प्रॉपर्टी का खासियत, मतलब पूरा जंगल के बीच में है और उसका जो मतलब ब्यूटी है वो अभी आ रहा है मॉर्निंग के टाइम पे। क्योंकि कल हम रात को अराउंड सोए थे 10 या 10:30 मैक्सिमम 11 तक, और उस टाइम तक फॉग थोड़ा होना चालू हो गया था। और यहाँ पे अभी देखो देख रहे हो ये वाव क्या मतलब मस्त वाला फॉग हुआ है, यहाँ पे सनराइज हो रहा है अभी। हमारा गाड़ी अभी रेडी हो रहा है आज के ट्रैवल के लिए, आज के ट्रिप के लिए। और इसको अभी धोया जा रहा है अच्छे से, अभी अभी गाड़ी को धो रहा है यहाँ पे। तो अभी गाड़ी को अच्छे से धोते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी रेडी हो जाएगा, हमारा आज का जो जर्नी हो रहा है उसके लिए गाड़ी भी पूरा रेडी हो जाएगा। थोड़ा पानी मार लेंगे ताकि थोड़ा जो फॉग है कल जो मतलब आने का धूल मिट्टी लगा था वो सब पूरा निकल जाएगा। सो फाइनली गाड़ी का पूरा अभी क्लीन वगैरह सब करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अभी। अब देखो ये जो रोड है ना ये पूरा कंप्लीट जंगल के अंदर से देखे जा रहा है। और हम लोग अभी निकल रहे हमारे आज के फर्स्ट लोकेशन के लिए। आपको जाके डेस्टिनेशन में पहुंच के आपके लोकेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, वो सारे चीज़ बताएंगे। बट उससे पहले अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:30 इन द मॉर्निंग। और आप यहाँ पे देख सकते हो फॉग, मतलब कितना ज़्यादा फॉग है सामने, हमें रास्ता भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो रोड है ये रोड है आपको तालचेर से अगर आप अनुगुल आ रहे हो, सो अनुगुल ऑन द वे हम जा रहे हैं अभी। सो ये मतलब इतना ज़्यादा फॉग है यहाँ पर, कम्प्लीट रूट बंद हो गया है पूरा। सो फाइनली हम लोग आके पहुँचे हमारा आज का फर्स्ट डेस्टिनेशन है जो कि है बिरजा देवी मंदिर। इसके अंदर हम अभी नहीं जाएंगे, बस बाहर से आपको दर्शन करा दे रहे हैं क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वाला ब्लॉग है हम वहाँ पे पोस्ट करेंगे। इसका नेक्स्ट वाले एपिसोड में बिरजा देवी का टेम्पल आएगा, बट बाहर से एक बार दर्शन कर लो और उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे। ये पूरा जंगल के बीच हाईवे है तो हाईवे के ऊपर से देख हम जा रहे हैं अभी हमारा आज का फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो ये हमारा अभी फर्स्ट ब्रेक है, गाड़ी यहाँ पर पार्क किए और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। सिंगड़ा पड़ी लावे इडली अच्छी इडली तो फाइनली हम आके पहुँचे हमारा आज का फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है बूढ़ी ठाकुरानी मंदिर, यानी आप बोल सकते हो बूढ़ी ठाकुरानी टेम्पल है ये। और ये जो टेम्पल है ये अनुगुल का, आप मतलब अगर आप अनुगुल आ रहे हैं या फिर अगर आप उड़ीसा में हैं तो आप एक बार पूछ लेना बस किसी से कि सबसे फेमस मंदिर कौन सा है अनुगुल का, तो आपको बच्चे बच्चे के मुँह पर एक ही वर्ड मिलेगा, वो है बूढ़ी ठाकुरानी मंदिर। और ये साक्षात दर्शन कर लीजिए यहाँ पे, हम आपके बहुत अच्छे टाइम पे पहुँचे, यहाँ पे आरती चल रहा है तो काफ़ी अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। और इसका जो वाइब है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है मंदिर के अंदर अगर आप आ रहे हो तो। ये पूरा एक मंदिर का कम्प्लेक्स है, सो जब आप मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे सबसे पहले आपको बूढ़ी ठाकुरानी जी का दर्शन मिलेगा, माता का दर्शन मिलेगा। उसके बाद ये हम अभी नेक्स्ट आके पहुँचे हैं अभी जगन्नाथ मंदिर, मतलब सेम कंपार्टमेंट के अंदर ही आपको जगन्नाथ मंदिर भी मिल जाएगा। और इसका जो मतलब डेकोरेशन किए हैं वो जो बूढ़ी ठाकुरानी वाला मंदिर था वो आपको फ्रंट साइड में मिलेगा, वहाँ से थोड़ा सा आपको घूम के आना पड़ेगा जगन्नाथ मंदिर के लिए। मतलब नया कंस्ट्रक्शन हुआ है तो इसका जो थीम है, इसका जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट मॉडर्न डिज़ाइन में किए हैं इसको, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सुंदर सा इसको मंदिर को बनाए। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। सो ये पूरा उसका एंट्रेंस है जो कि मतलब काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किए हैं, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है।
और इसके अंदर आपको सबसे पहले जब आप एंट्री करते हैं, जैसे भगवान विष्णु जी का होता है गरुड़ जी, तो सबसे पहले आपको गरुड़ जी का दर्शन करना है, फिर उसके आगे जाएंगे आप तो आपको जगन्नाथ जी, बलभद्रम जी और सुभद्रा माता का भी दर्शन करने को मिलेगा। यहाँ पे पूरा तीनों जो देव है तो उनका दर्शन आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार दर्शन करते हैं। यहाँ पे काली माता का जितना भी स्वरूप है, सारे स्वरूप का यहाँ पे नाम और उसका मतलब फोटो है। यहाँ पे ये काली माता का है, यहाँ पे तारा माता का है, यहाँ पे ये है माँ छिन्नमस्ता, यहाँ पे है माँ षोड़शी माँ, यहाँ पे भुवनेश्वरी माता, यहाँ पे त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी एंड कमला माता। तो सारे माता के यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे माँ विमला देवी का भी मंदिर है यहाँ पे। यहाँ से माँ विमला देवी का भी दर्शन कर लीजिए एक बार। जय माँ शक्ति। हम लोग यहाँ पे भी आए थे, माथा टेक के अभी गए यहाँ पे, तो यहाँ से भी निकलते हैं। तो यहाँ पे ये जो मंदिर है ये क्वाइट एक मतलब डिफरेंट मंदिर है। ये है माता सरस्वती का मंदिर। सो यहाँ पे सरस्वती माता का भी मंदिर है। अब देखो मतलब ये जो मंदिर है पूरा यहाँ पे चारों तरफ आपको पानी से घिरा हुआ है, बीच में डिज़ाइन करके वहाँ पे मंदिर बनाया गया है। ये उस तरफ है काली माता का मंदिर, यहाँ पे बोट भी है, बोट में भी कुछ काम में आता होगा। काली माता का मंदिर है वो, हम लोग अभी अंदर गए थे, माथा टेक के आए। यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर है, काली मंदिर में विमला मंदिर है। हाँ तो एक ही बात है, काली माता विमला माता नहीं अलग है। ठीक है, वो विमला माता का मंदिर है, ये सरस्वती माता का मंदिर है, उस तरफ लक्ष्मी माता का भी मंदिर है। बट ये जो मंदिर है ये क्वाइट मतलब डिफरेंट डिजाइन से है और बहुत अच्छा मंदिर भी है। अंदर जाके दिखाते हैं जाने के लिए, मतलब इस टाइप का यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ से आपको अंदर जाना है और यहाँ पे आपको माता का भी दर्शन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अभी आए थे, माथा टेक के गए थे, यहाँ पे माता का दर्शन कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से अभी निकलते हैं। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है, वो पास से एक बार दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी माथा टेक के आए, आपको जाके एक बार दिखा देते हैं शनिदेव का मंदिर। ये अभी बंद है, हम ओपन नहीं कर रहे हैं, बाहर से ही माथा टेक के गए। ये शनिदेव का मंदिर है, ये शनिदेव का यहाँ पे मूर्ति रखा हुआ है और आई थिंक ये शायद सूर्यदेव का मंदिर है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो एक कार्ट वाला डिज़ाइन किया गया है, रथ वाला डिज़ाइन। ये काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है ये। हाँ यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी का तो ये है मंदिर का एंट्री है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पूजा स्टॉल्स मिल जाएंगे और आपको कोई भी पूजा करना है आप यहाँ से ले सकते हो, आप पूजा कर सकते हो यहाँ से। हम लोगों का हो गया, हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं, गाड़ी के पास चलते हैं और गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकलते हैं दूसरे लोकेशन के लिए।